हेलो फ्रेंड्स आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन विद ऑल ऑफ़ यू तो पहले बात करते हैं हम क्रिकेट की तो क्रिकेट में आईपीएल में हुए मैच में सनराइज़र्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 31 रनों से हरा दिया मैच हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि सीमेंट के पिच पे मैच हो रहा है सिर्फ फोर्स एंड सिक्सेज़ ही पड़ रहे थे लग रहा था बॉलिंग मशीन से बॉलिंग कराई जा रही है बॉलर्स खाली पिटने के लिए आए हुए हैं ऐसा बहुत कम बार होता है कि टू फोर्टी सिक्स रनस बना के भी एक टीम टी ट्वेंटी मैच हार जाए बट मुंबई इंडियंस के साथ वही हुआ सनराइजर्स हैदराबाद ने फर्स्ट बैटिंग की एंड टू सेवेंटी सेवन रनस बनाए ट्रिप्लाई में मुंबई इंडियंस टू फोर्टी सिक्स रनस ही बना पाई अभी एक कंपेयर टू टू सेवेंटी सेवन कम है बट टू फोर्टी सिक्स रन्स भी बहुत होते हैं मुंबई इंडियंस की बैटिंग में सेकेंड इनिंग्स में एक फेज आया था जब ट्वेंटी टू बॉल्स पे ट्वेंटी टू रन से किए थे मुंबई इंडियंस ने एक विकेट के नुकसान पर और वो तिलक वर्मा का तिलक वर्मा जब आउट हुए थे उसके बाद टिम डेविड आए थे क्रीज़ पे तो टिम डेविड और हार्दिक पांडे थे बैटिंग कर रहे तब उन्होंने ट्वेंटी टू बॉल्स फेस की थी ट्वेंटी टू रन ही बनाए थे तो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट वेयर मुंबई इंडियंस लॉस्ट द मैच और कल है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं आईपीएल में होम टीम ही जीत रही है मैचेस तो कल देखते हैं कल क्या होता है कल राजस्थान के होम ग्राउंड पे है एंड बात करें फुटबॉल की तो अब इंडिया अफग़ानिस्तान से मैच हार गई फीफा वर्ल्ड कप क्वालीफायर्स हो रहे हैं एशिया के तो ये सेकेंड राउंड है क्वालिफाइंग के इसके बाद थर्ड राउंड में जाना है अब इंडिया को एडवांटेज था होम पे थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट अफगानिस्तान है वर्ल्ड में वन फिफ्टी एट रैंक्ड टीम एंड इंडिया है वन हंड्रेड थी लेकिन अब अफगानिस्तान से हार के वन ट्वेंटी टू हो गई है तो लास्ट मैच तो अवे मैच था न्यूट्रल था दोनों टीम्स के लिए अवे ही था न्यूट्रल वेन्यू पे था बट इंडिया के लिए अवे था तो इंडिया ने ड्रॉ किया चलो एक्सेप्ट कर लिया कि बहुत दिनों के बाद खेले थे मैच वहाँ पे ग्राउंड होम्स से दूर थे अवे मैच था तो ड्रॉ कर लिया ठीक है बट होम मैच पे तो आप जीत सकते थे लेकिन होम मैच पे उल्टा हो गया अफगानिस्तान ने हरा दिया अब ईगो स्टेमिक बोल रहा है मैच हारने के बाद कि वी कैन स्टिल क्वालिफाई यस ये इंडिया कैन स्टिल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन बट कतर से आप जीत नहीं सकते बिकॉज कतर इज़ करंट एशियन चैम्पियंस एंड कतर की वर्ल्ड रैंक है थर्टी सेवन वेयर इज़ इंडिया की वन ट्वेंटी टू तो नियर टू तो इम्पॉसिबल कोई मेरेकल हो गया या कुछ हो गया तो ठीक है कुवैत के साथ मैच है कुवैत है वन थर्टी सेवन रैंक अब अफगानिस्तान से तो हम जीत नहीं पाए वन फिफ्टी एट रैंक थी जिसकी तो कुवैत से मे बी मे बी नॉट लेट्स होप कुवैत को हरा दें एंड अदर रिजल्ट अपने फेवर में जाएँ अभी भी इंडिया टेबल देखा जाएगा तो सेकेंड पोजिशन पर है गोल्ड डिफरेंस पे अफ़गानिस्तान के भी फोर पॉइंट्स हैं इंडिया के भी फोर पॉइंट्स हैं बट गोल्ड डिफरेंस अफगानिस्तान का ज़्यादा है या वी कैन स्टिल क्वालिफाई चांसेस कम लग रहे हैं बट यस एज एन इंडियन फैन एज एन इंडियन फुटबॉल फैन एज ए सपोर्टर हम चाहते हैं कि इंडिया नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफ़ाई कर जाए सारे अवार्डस हमारे फेवर में जाएँ एंड इंडिया क्वालिफ़ाई कर जाए तो देट वुड बी गुड एंड बात करें फिर अगर कर टेनिस की तो यू में हो रहे मायामी ओपन में मैंस डिविजन में टॉप फोर सीट्स कार्लो सेल करज यनिक्स टेनिल मद्वदेव एंड अलेक्जेंडर जॉरेव क्वार्टर फाइनल्स में पहुँच गए क्वार्टर फाइनल्स में उनके मैच हैं एंड मोस्ट प्रॉबली अगर कोई अपसेट नहीं होता तो यही चारों सेमीफाइनल में खेलेंगे वोमेंस डिवीजन में अपसेट हुआ नंबर वन सीडेड ईगा सोन्टिक जिन्होंने साल का पहला मास्टर्स टूर्नामेंट पैरिवस ओपन जीता था वो राउंड ऑफ सिक्सटीन में बाहर हो गई एलिमिनेट हो गई एंड पैरिवस ओपन में जो फाइनलिस्ट दूसरी फाइनलिस्ट थी मारिया सकारी वो भी क्वार्टर फाइनल्स में हार के बाहर हो गई हैं तो ये अपसेट था वुमेंस में मेंस में नॉर्मली चल रहा है बात करें बैडमिंटन की तो स्पेन में हो रहे मैड्रिड मास्टर्स में पी वी ने राउंड वन जीत लिया है एंड सेकेंड राउंड में पहुँच गई हैं मेंस डिवीजन में सतीश कुमार करुणा करण हार गए हैं अपना पहला राउंड एंड डबल्स की बात करें मेंस डबल्स की तो कृष्णा प्रसाद और साई प्रतीक का पेयर सेकेंड राउंड में क्वालीफाई कर गया है और एम आर अर्जुन और ध्रुव कपीला इनका पेयर भी मेंस डबल्स के सेकेंड राउंड में क्वालिफाई कर गया है वुमेन्स डबल्स की बात करें तो त्रिशा जॉली और गायत्री पुलेला गोपी राउंड वन में हार के बाहर हो गई हैं एंड तनिषा एंड अश्विनी पोनप्पा के जो पेयर हैं उनको वॉकओवर मिल गया था तो वो सेकेंड राउंड में क्वालिफाई कर गई हैं टेबल टेनिस में स्लोवेनिया में फीडर्स चल रहा है स्लोवेनिया के सिटी ओटोसेक में उसमें इंडियन टेनिस फीमेल टेबल टेनिस प्लेयर सिलेना सिल्वक कुमार क्वालिफाइंग राउंड के तीसरे क्वालिफाइंग तीसरे राउंड में पहुंच गई हैं एंड अगर बेट अगर बास्केटबॉल की न्यूज़ देखें तो बास्केटबॉल में सिंगापुर में थ्री बाई थ्री का एशिया कप चल रहा है उसमें मेंस टीम ने मालदीव्स को ट्वेंटी वन टेन और मकाओ को ट्वेंटी वन थर्टीन से हराया वहीं वमेंस टीम ने नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड्स को ट्वेंटी वन वन से के स्कोर से हराया तो आई थिंक ये क्वालीफाइंग राउंड्स हैं मेन ड्रॉ के लिए शायद मेंस और वुमेंस मेंस का तो ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं दोनों मैच जीत रहे हैं उनका एक मैच बाकी है वुमेन्स के दो मैच बाकी हैं तो देखते हैं आज कि दोनों क्वालिफाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं